What's up guys, this is Ramji and welcome to our channel Techility। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे एक फुल्ली ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर्ड फोटो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे आपके पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, उसको आपको कलर्ड फोटो करना है तो पहले तो आपको उसको फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है, तब वो एक परफेक्ट कलर फोटो बनती है। तो वो सारी एडिटिंग आपको नहीं करनी है। अगर आपको जानना है वो कैसे एडिटिंग के थ्रू कैसे करेंगे तो वो भी मैं वीडियो में एक बता दूंगा कि फोटोशॉप में आप कैसे ब्लैक एंड व्हाइट को कलर्ड फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक ट्रिक के थ्रू बताऊंगा जिसमें आप नॉर्मली 10 टू 15 सेकेंड्स में कोई भी कलर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर्ड फोटो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्लैक कलर्ड फोटो को आप ब्लैक एंड व्हाइट में तो नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर से किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, बट जो नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है उसको कलर्ड फोटो में, हाई क्वालिटी की कलर्ड फोटो में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए काफ़ी एडिटिंग आनी चाहिए आपको। बट उन सब एडिटिंग को साइड में रखते हुए हम इसको एक ट्रिक के थ्रू बताएंगे जिसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर्ड फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो वीडियो एंड तक देखना है, बिना स्किप किए तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कैसे करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे, ये आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं, दोनों में सेम स्टेप फॉलो करने हैं आपको। तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन में। मोबाइल की स्क्रीन में तो ब्लैक एंड व्हाइट का फोटो को कलर फोटो में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल क्रोम ब्राउजर खोलना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में ये वर्क करेगी ट्रिक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उसको आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टाइप करके भी डाल सकते हैं https://demos.algorithmia.com/colorize-photos-। ये अगर आप वेबसाइट डाल देंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। वैसे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाएं, उसके बाद आप थ्री डॉट्स पर क्लिक कर लें और डेस्कटॉप साइट कर लें। अगर आपके में मैंने पहले से था इसलिए डेस्कटॉप साइट डायरेक्ट लोड हुई है, ये अगर आपके में नहीं है, देखिए मैं दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप साइट नहीं होगी तब भी ऐसी हो जाएगी, उसमें भी हो जाएगा। चलो इसमें हम बिना डेस्कटॉप साइट के करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए आ रहा है, एल्गोरिथमिया कलराइज फोटो यूज डीप लर्निंग टू ऑटोमेटिकली कलराइज ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ये मतलब ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है उसको रीड करता है और उसके बाद जो है अपने हिसाब से कलर एडजस्ट करता है। पता नहीं कौन सा एल्गोरिथम यूज करती है ये वेबसाइट, लेकिन काफ़ी अच्छी जो है कलर फोटो कन्वर्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए, इनको ये कह रहा है कि अगर आप इनको कलर करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक करके देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम्पल था जो दिया गया था पहले से, उसको हम कलराइज़ करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेसिकली ये टाइम आपके नेट पर डिपेंड कम करता है, आपकी जो है इंटरनेट स्पीड पर ज़्यादा करता है। इंटरनेट स्पीड पर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा करता है और आपका जो है कलराइज फ़ोटो करने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, उसमें ये टाइम लग जाता है तो काफ़ी जल्दी हो गया। तो ये देख सकते हैं आप जो है कलर फ़ोटो हमारी ऐसी कन्वर्ट होके आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, इसको आप ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं ये इस लाइन को। तो आप देख सकते हैं कलर फोटो यहाँ से ब्लैक एंड वाइट होती जा रही है, यहाँ से कलर। अगर आपको कंपैरिजन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, हम कलराइज्ड इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये थोड़ी देर में डाउनलोड होने लगी, उसके बाद ये ओपन करके हम देख लेते हैं। तो ये रही हमारी कलराइज फ़ोटो, तो पूरी बढ़िया कलर होगी। अब ये तो एग्जाम्पल था, अब हम अपनी तरफ से इसमें अपलोड करके कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड बटन दिया गया, इस पर क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस इमेज को कलर करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कन्वर्ट होते हैं। तो देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी उसको इसने कलर्ड फ़ोटो में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं अभी ब्लैक एंड वाइट थी और यहाँ पे कलर्ड फ़ोटो में बिल्कुल कन्वर्ट हो गई। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया कलर आए हैं, जैसे नॉर्मल कलर्ड फ़ोटो ही लग रही है, ये लग ही नहीं रही कि ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। हम इसका भी कलराइज्ड इमेज डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके बाद इसको ओपन करते हैं। बट एक प्रॉब्लम होती है जब हम डाउनलोड करते हैं तो इसका जो ये है वाटरमार्क नीचे आपको colorize.8.com ये ज़रूर देखने को मिल जाता है, क्योंकि अब इसकी कोई पेड वर्जन तो है नहीं, तो ये अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये नीचे वाटरमार्क लगा देती है। आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, अगर इमेज को आप क्या करें इसको, आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इमेज के नीचे थोड़ा सा एरिया बढ़ा दें
जिसमें इतना जो वाटरमार्क हो वो सेट हो जाए, जो एक्स्ट्रा एरिया बढ़ा दें इमेज में पहले से क्रॉप करके, उसके बाद इसको कलराइज करें, तो क्या होगा उस एक्स्ट्रा एरिया में ये वाटरमार्क आ जाएगा जिसको आप बाद में क्रॉप करके रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी और फोटो को देखते हैं, शायद ये अच्छी तरीके से हो गई, कोई दूसरी ना हो तो दूसरी भी करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ़ोटो है, इसको हम करते हैं कलराइज योर फोटो में। तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कलर फोटो अपने आप वो कलर मिक्सिंग करता है कि कौन सा कलर इस पर बेटर लगेगा, और थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड आपकी इतनी अच्छी होगी तो उस हिसाब से हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये पहले थी कलर्ड फ़ोटो, वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी। अब हम इसको देखते हैं कलर्ड फ़ोटो में कितनी मस्त जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। इसको भी आप डाउनलोड कलराइज, मैंने कंपैरिजन डाउनलोड कर लिया तो कंपैरिजन आपको दिखा देते हैं। ये कंपैरिजन था, यहाँ पे वो लाइन आ रही है कंपैरिजन वाली। हम कलराइज इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, तो कलराइज इमेज भी डाउनलोड हो गई है, आप देख सकते हैं ये आ गई है। लेकिन बस वही मैंने कहा था, जो लोगो है वो ज़रूर आएगा उसका, तो उसको आप एक्स्ट्रा करके क्रॉप कर सकते हैं। अब आते हैं ये, चलो हो गया कि आप कहेंगे कि ये तो अभी की कोई इमेज है, पहले हमने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर ली इसलिए ये कलर में नॉर्मली कन्वर्ट हो जा रही है। बट अब हम एक फ़ोटो अपलोड करेंगे उस टाइम की जब कलर्ड कैमरा होते ही नहीं थे। तो हम अपलोड पर क्लिक करते हैं, देखिए अब्राहम लिंकन की एक फ़ोटो है। उस टाइम तो कलर्ड जो कैमराज थे वो थे ही नहीं, ब्लैक एंड वाइट कैमराज थे, तो उस टाइम की ये फ़ोटो है। इस फोटो को हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से कलर्ड फ़ोटो में कन्वर्ट होती है। तो थोड़ा सा टाइम फिर से लगेगा कन्वर्ट होने में, देखिए कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए उस टाइम तो होते नहीं थे, तब भी इसने काफ़ी हद तक, देखिए जो नॉर्मल इमेज थी तो उसमें तो काफ़ी इफ़िशेंसी आई, बट जो इस फोटो में है, देखिए इस फोटो में भी काफ़ी अच्छी इफ़िशेंसी आई है कलर्ड फ़ोटो में। एक बार में नहीं आती है तो आप दोबारा उसको फिर से कलर्ड फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कलर्ड कंपैरिजन आप एक बार वो जो है कलराइज इमेज डाउनलोड कर लें, उसके बाद फिर से करें, तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसमें एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। जब बताइए कलर्ड कैमरा होते ही नहीं थे, उन फ़ोटो को भी इसने कलर्ड फ़ोटो में कन्वर्ट कर दिया। ये सब काम हम फोटोशॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए कलर्स वगैरह और फोटोशॉप के वगैरह में बारे में, तभी आप कर पाएंगे। बट इसमें आप क्या करना है, सीधे अपलोड करना है और डायरेक्ट आपकी जो फ़ोटो है ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड फ़ोटो में हो जाएगी। तो ऐसे आप कोई भी फ़ोटो सिर्फ अपलोड करेंगे और थोड़ा सा वेट करना है आपको, आपकी फ़ोटो कलर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप कोई भी फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट, कोई भी फ़ोटो आपके पास हो तो उसको आप कलर्ड फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो है वो एकदम कलर्ड फ़ोटो में कन्वर्ट हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।